फ्रेंड्स, आज मैं आपसे परफेक्ट जेली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे कम मेहनत के काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जेली बनाने के लिए हमने हाफ कप चीनी ली है, आधे नींबू को हमने निचोड़ कर लिया है, या हमने स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है, क्योंकि हम जिस कलर की जेली बनाएंगे हम उसी का एसेंस डालेंगे। तो यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी के लिए रेड फ्रूट कलर लिया है, और ये पाइनएप्पल एसेंस लिया है जिसमें हम लेमन येलो कलर डालेंगे। और यहाँ हमने जेलेटिन लिया है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और बहुत कम कीमत में मिल जाता है। और हमें इसका पूरा पैकेट यूज़ नहीं करना है, हम सिर्फ इसमें से 4 टेबल स्पून जेलेटिन लेंगे और काफ़ी सारी इसमें जेली बनकर तैयार हो जाएगी। हमने एक सॉस पैन को गर्म पे चढ़ा दिया है जिसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखी है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने नींबू का रस लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ थोड़े से पानी में हम 4 टेबल स्पून हमने जेलेटिन लिया है, इसे डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम भिगो देंगे। और पानी में भी अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। और यहाँ जो जेलेटिन को हमने भिगो के रखा था 5 मिनट के लिए, इसे हम डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को वापस से हम हाई रखेंगे और हाई पे रखते हुए अच्छे से इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसमें जो दाने नज़र आ रहे हैं, जब तक ये अच्छे से घुल नहीं जाते हैं, हम इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। हमने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और इसमें किसी तरह के आप देख सकते हैं दाने नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसी तरह ही इसे छोड़ेंगे। हम 2 तरह की जेली बना रहे हैं, तो हमने यहाँ 2 बर्तन लिए हैं जिसमें हम जेली का मिक्सचर डाल देंगे। दोनों ही बर्तन में हम थोड़ा थोड़ा सा जेली का मिक्सचर डाल देंगे। अब एक मोल्ड में हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना है, तो हम इसमें रेड फ्रूट कलर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरे मोल्ड में हम पाइनएप्पल जेली बनाएंगे, तो इसमें हम येलो फ्रूट कलर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ 1/2 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है, इसे हम डाल देंगे और डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस लिया है, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से इसे भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इतने मिक्सचर में जेली कई कलर की बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 मोल्ड में 2 ही कलर की जेली बनाई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर रख के छोड़ेंगे। और 10 मिनट बाद ये जैसे ही ठंडा हो जाता है तो हम इसे रेफ्रिजरेटर में 3 घंटे के लिए रख के छोड़ेंगे। 3 घंटे बाद हम आपको इसे चेक कर दिखाएंगे। बहुत ही परफेक्ट हमारी जेली सेट होकर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसके पीसीस कर लेंगे। बहुत ही ईजीली इसके पीसीस हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कितनी ईजीली हमारी जेली निकल आई है और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इस तरह की जेली बनाना बहुत ही आसान होता है। यह हमारी पाइनएप्पल फ्लेवर में भी जेली बनकर तैयार है। आप थोड़े से जेलेटिन में काफ़ी सारी जेली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारी टेस्टी स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल जेली बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी जेली की रेसिपी कैसी लगी।